नागपुर जिले के कोंढाली में बेकाबू हुई तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को कुचल दिया। इनमें से 4 की मौत हो गई। मृतकों में 3 बच्चे शामिल है। यह हादसा रविवार की दोपहर करीब 2:15 में कोंढाली के पास 7 नवरी में हुआ है। घायल महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। नागपुर जिले के काटोल तहसील के कोंढाली से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार नंबर MH27BE4614 अमरावती से नागपुर की ओर जा रही थी। 7 नवरी के बस स्टॉप के पास एक बड़े गड्ढे से बचने के प्रयास में चालक डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी का स्टेयरिंग पर से नियंत्रण छूट गया। इससे बेकाबू हुई कार बस की राह देख रहे यात्रियों को चपेट में लेते हुए सर्विस रोड पर पलट गई। इसकी चपेट में हादसे में शौर्य सुबोध डोंगरे, शिराली सुबोध डोंगरे दोनों ईसापुर उनके नाना बंडू उर्फ गौतम सालवनकर, चिन्नू विनोद सोनबर से, ललिता बाबूलाल सोनबर से आ गए। इस हादसे की जानकारी मिलते ही कोंडाली के थानेदार चंद्रकांत काले, एपीआई अजीत कदम, पीएसआई देवेंद्र सोनावले, एएसआई दिलीप इंगले मौके पर पहुंचे। नागपुर ले जाते समय शौर्य, शिराली, गौतम और चीनू ने दम तोड़ दिया, जबकि ललिता को मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार मगर, अतिरिक्त अधीक्षक राहुल माकनीकर, एसडीपीओ काटोल नागेश जाधव ने घटना का जायजा लिया। पुलिस ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी पर मामला दर्ज भी किया है।